बड़ी खबर जो कि वाराणसी से मिल रही है। लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया है जिला मुख्यालय पर, और भाजपा और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एकदम आमने सामने आ गए हैं। यानी टकराव की स्थिति वहां पर पैदा हो सकती है, चूंकि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो नामांकन रद्द होने की आशंका जता रहे हैं। सीधा लेकर चलेंगे वाराणसी, मेरे सहयोगी नीतीश वहां से लगातार बने हुए हैं। नीतीश, अभी की फिलहाल क्या स्थिति है? अब तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स को यहां पर डिप्लॉय किया गया है। इस वक्त की जो स्थिति है आप देखिए, सरकार पूरी तरह से अपने चूहों पे है, और यहाँ पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पीछे हटने तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दूं, वाराणसी जिलाधिकारी लगातार जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जहाँ पर नामांकन स्थल है वहाँ तक घुस गए थे, उनको लगातार पीछे करने की अपील कर रहे हैं। लगातार उनसे कह रहे हैं कि आप पीछे चले जाइए, यहाँ तक आपको आने की परमिशन नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आप देखिए यहाँ पर डटे हुए हैं, और यहाँ पर जिस तरह से पुलिस बल की तैनाती की गई है, साफ तौर पर किस तरह से लोगों को यहाँ पर शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए अपील की जा रही है। वाराणसी जिलाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, और आप देखिए यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। और आपको दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाना चाहेंगे, आप देखिए जहाँ पर नामांकन स्थल है वहाँ पर भी भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, और जिलाधिकारी लगातार देखते हुए क्या स्थिति है अभी की? विशेष स्थिति नहीं है। 6:30 बजे से स्क्रूटनी का सेकंड चरण प्रारंभ होना है। दो पक्षों की यहाँ पे स्क्रूटनी चल रही है। दोनों पक्षों ने दो दो घंटे टाइम मांगा था, तो उन्होंने एक दूसरे पर आपत्ति दाखिल की है। अभी दूसरे चरण की स्क्रूटनी प्रारंभ होगी, उसी में कुछ अफवाह फैलाई गई है जिसके कारण काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए हैं। इनको समझाया जा रहा है, अपने घर चलिए, तभी स्क्रूटनी आगे प्रारंभ हो पाएगी। क्या ये लोग यहाँ तक जैसे पहुँच गए थे, भीड़ लग गई, तो क्या इन लोगों पर भी कोई कार्रवाई होगी या क्या है? देखिए 200 मीटर की परिधि कोई भी हो उसमें कोई किसी का भी आना अलाउड नहीं है। जो कैंडिडेट होते हैं और तीन लोग जिनको स्क्रूटनी में अलाउ किया जाता है वे ऑलरेडी कलेक्ट्रेट के अंदर हैं। इसके अलावा किसी को भी 200 मीटर की परिधि में अलाउड नहीं है। अपने कार्यालय कक्ष में बैठें, अपनी पार्टी कार्यालय में बैठें, वहाँ जाके शांति से अपना जो भी वार्ता करनी हो वो करें, लेकिन कलेक्ट्रेट के आसपास भीड़ भाड़ इकट्ठी करके संवेदनशीलता ना बनाएं, क्योंकि ये इलेक्शन से जुड़ा हुआ मामला है और यहाँ पे आचार संहिता लागू है। ये इनको समझाया जा रहा है कि शांति से घर जाएं, जो निर्णय होगा वो सारा क्लियर होगा, अंदर बाकायदा इनके कैंडिडेट और इनके सारे इलेक्शन एजेंट वगैरह मौजूद हैं। दोनों पक्षों से आपत्तियाँ यहाँ पर दाखिल की गई हैं, क्या है वो आपत्तियाँ? दोनों पक्षों की आपत्ति दाखिल हुई है, किसी के द्वारा अफवाह फैलाई गई थी, कुछ चैनलों ने भी चला दिया था कि एक पक्ष का नामांकन खारिज हो गया है। मैं बताना चाहता हूँ कि पूरी तरह से निराधार है ये बाकायदा जो स्क्रूटनी की गई थी उसमें दोनों ही पक्षों ने लिखित आपत्तियाँ दी थी, दोनों से लिखित जवाब मांगा गया है। दोनों ने ही दो दो घंटे का समय मांगा था, वो दो घंटे का समय पूरा होने जा रहा है। अब नेक्स्ट राउंड की आपत्तियाँ एक दूसरे के सामने सुनी जाएंगी, उनके अधिवक्ता हैं वो भी मौजूद हैं, कुछ कैंडिडेट हैं वो भी मौजूद हैं। बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूरी स्क्रूटनी चल रही है। ये माहौल किसी ने किसी के द्वारा अफवाह फैला के जो माहौल खराब किया जा रहा है उसको पहले से शांत किया जाएगा, और उसके बाद आगे की स्क्रूटनी चालू की जाएगी। तो यहाँ पर शांति के प्रयास जारी है आप देखिए, और जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर अंदर तक घुस आए थे उनको पुलिस ने बाहर कर दिया है। तो आप देखिए ये कार्यकर्ता इस बैरिकेडिंग के उस पार पहुँच गए हैं, और इसके साथ ही दोनों पक्ष के आप देखिए, इधर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और उधर बीजेपी के वो कार्यकर्ता, उनको भी जिलाधिकारी साफ तौर पर पहुंचकर ये बताते हुए कि आप यहाँ पर ना आए, आप जो दायरा है दायरे के बाहर खड़े रहें। तो आप देखिए स्नेलता, ये जिलाधिकारी और जो बीजेपी के कार्यकर्ता अंदर घुसाए थे उनको भी पीछे करते हुए, तो शांति व्यवस्था बहाल करने के लगातार प्रयास यहाँ जारी है। जैसा कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर जिस तरह से माहौल में सरगर्मी आई थी, जिला प्रशासन और इसके साथ ही पुलिस की जो यहाँ पे टीम है वो लगातार वो सक्रिय हुई, सक्रिय होने के साथ पहले लोगों से अपील की गई, और इसके साथ ही जो कार्यकर्ता जो लोग यहाँ पर शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर रहे थे उनको पीछे किया गया, और अब अपने दायरे से पीछे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आ गए हैं। जिलाधिकारी वाराणसी आपके कैमरे के सामने देखे ये लगातार यहाँ पर अपील करते हुए कि आप शांति व्यवस्था को पूरी तरह से बहाल करें, इस पूरे नामांकन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से यहाँ पर होने दें। तो माहौल फिलहाल शांत और अधिकारी यहाँ पर मौजूद। बिल्कुल नीतीश, देखिए जैसे आपने तस्वीरों में दिखाया, तस्वीरों में साफ नजर आया कि खुद जिलाधिकारी ने कमान संभाल ली और उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाया, और जो नहीं समझे वहां पर सख्ती भी दिखाई गई। उन्हें समझाया गया कि स्क्रूटनी शुरू नहीं होगी अगर यहां से नहीं हटेंगे तो। अभी नीतीश अंदर से क्या अपडेट मिल रही है, क्या आप शुरू हो चुकी है दोबारा से स्क्रूटनी की जो प्रक्रिया है? जी
प्रक्रिया है वो जारी है और 2 घंटे का समय दिया गया है, 2 से 2.5 घंटे का। और अभी थोड़ी देर में जैसा कि जिलाधिकारी ने अभी एबीपी गंगा के कैमरे पे बताया कि अभी की जो प्रक्रिया है दुर्गाबूस का समय पूरा हो गया है और थोड़ी देर में अगर दोबारा की आपत्ति अगर कोई जाहिर की गई तो उस पर भी बात होगी और उसके बाद जो प्रशासनिक प्रक्रिया है उसको निभाया जाएगा और उसके बाद प्रत्याशी कौन होंगे कौन नहीं होंगे या निर्णय क्या आता है इन सारी चीजों का इंतजार करना होगा। और ये देखिए पुलिस बल लगातार लोगों को यहाँ से लगाता हुआ यहाँ से खदेड़ता हुआ ताकि व्यवस्था को शांतिपूर्ण व्यवस्था को बहाल किया जा सके। जैसा कि थोड़ी देर पहले माहौल में सरगर्मी आई थी उस सरगर्मी को शांत किया जा सके तो यहाँ पर इसके लिए पूरा प्रयास भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद हो गया है और अब यहाँ पर शांति व्यवस्था एक बार फिर से बहाल होती नजर आ रही है। ललता बिल्कुल देखिए शांति व्यवस्था बहाल होती हुई नजर आ रही है जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं और तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कि अब कंट्रोल कर लिया गया है स्थिति पर और जो अभी हंगामे की स्थिति थी उसे कहीं ना कहीं बीच में अब समाप्त कर दिया गया है। नीतीश आपसे समझना चाहेंगे कि वो जो अफवाह एक फैली थी जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे वो क्या वजह रही जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इतने रोष में आए और हंगामा करने लगे जिला मुख्यालय पर। जिस तरह से प्राची जिस तरह से समाजवादी पार्टी के खेमे में एक सूचना एक अफवाह सामने आई कि अब पर्चा खारिज हो जाएगा नामांकन खारिज हो जाएगा उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बड़े नेताओं को फोन करना शुरू कर दिया और यहां पर देखते ही देखते जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है वो ज्यादा जमा हो गई। बहुत सारे कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर पहुंच गए। उसके बाद बीजेपी के जो कार्यकर्ता और नेता है अपने प्रत्याशी के साथ नामांकन स्थल की ओर आते दिखे। जैसे ही बीजेपी के कार्यकर्ता सामने दिखाई देते हैं समाजवादी खेमे में एक तरह सा किस तरह का आक्रोश दिखाई देने लगा और जो समाजवादी कार्यकर्ता है वो नारेबाजी करने लगे। जवाबी कार्रवाई में अगर बात करें तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी नारेबाजी करने लगे और दोनों पक्षों की ओर से जबरदस्त नारेबाजी शुरू हो गई और दोनों पक्षों के कार्यकर्ता जो नामांकन स्थल का गेट है वहां बढ़ने लगे और नामांकन स्थल के गेट पे बढ़ने के साथ ही प्रशासन से भी थोड़ी बहुत जद्दोजहद हुई और उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था को यहां पर सुचारू करने का प्रयास किया गया। पुलिस बल की तैनाती की गई, पीएसी बल को बुलाया गया तत्काल प्रभाव से और फिर भीड़ को पीछे किया गया। और इसी बीच जिलाधिकारी भी आते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि आपका जो दायरा है उसके पीछे ही रहें, उस दायरे को न कहीं यहां पर पार करें। आप देखें यहां पर ये सर्किट हाउस और सर्किट हाउस में बीजेपी के ये कार्यकर्ता सर्किट हाउस में मौजूद भारी संख्या में, इसके साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरफ मौजूद और जो भी जिनका दायरा है दायरे के बाहर अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और अब यहां स्थिति को नियंत्रित किया जा चुका है। जिस तरह से पहले माहौल में सरगर्मी थी अब माहौल एक बार फिर से शांत हो गया है। प्राची बिल्कुल माहौल पूरी तरीके से देखिए शांत कर लिया गया है क्योंकि खुद जिलाधिकारी ने इसकी कमान संभाली और खुद एबीपी गंगा पर उन्होंने बताया कि पर्चा रद्द होने की बात पूरी तरीके से गलत है। अभी तो जांच की जा रही है और उसके बाद जब जांच पूरी हो जाएगी तब ये सामने आएगा कि कौन कौन प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में है। लेकिन उससे पहले ही जो सियासी सरगर्मी थी नीतीश वो वाराणसी में बढ़ गई थी जिसकी हमने ताजा तस्वीरें देखी, जिसकी लगातार आपने हमें कवरेज भी दिखाई। फिलहाल की अगर बात करें नीतीश तो क्या अभी भी वहां पर पुलिस बल तैनात रहेगा पूरी तरीके से ताकि आगे स्थिति ना बिगड़े? निश्चित तौर पे जिस तरह के उदाहरण सामने आए हैं उस तरह के उदाहरण को देखते हुए अब पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। अब देखिए यहां तक पहले आपकी पहुंच जो भी लोग आते थे यहां तक पहुंच जाते थे लेकिन अब इनको यहां के बजाय सीधा अगर बात करें तो जहां पर आपको दूर तक एक फोर्स का एक दस्ता दिखाई दे रहा होगा वहां तक बल्लियों के इस पार ही रहना है, इसके इधर नहीं आना है, साफ तौर पर यह कह दिया गया है और पूरी व्यवस्था को अब चुस्त कर दिया गया और ये व्यवस्था तब तक चुस्त रहेगी जब तक नतीजे सामने नहीं आ जाते। दोनों पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उनको संतुष्ट नहीं किया जा सकता कि क्या होगा और कैसे होगा, ये सारी बातें जब पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी जब सभी चीज़ें सामने आ जाएंगी उसके बाद ये पुलिस बल हटाया जाएगा। हालांकि पुलिस बल की तैनाती कोई नई नहीं हुई है, पुलिस की संख्या बढ़ाई गई है, जो प्रशासनिक अमले की संख्या बढ़ाई जरूर गई है लेकिन ये पुलिस बल यहाँ पहले से तैनात था। हालांकि जिस तरह से नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी एकाएक उसमें सरगर्मी आई और सरगर्मी आने के साथ ही पुलिस बल सक्रिय हुआ और सक्रिय होकर शांति व्यवस्था को बहाल कर लिया गया है।